हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फंटेसी इन्फो में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम विंसी प्रीमियर लीग का 17th मैच जो कि खेला जाएगा डीवी वर्सेस वीजीआर के बीच में। तो सबसे पहले बता दोस्तों, इस मैच की जो फर्स्ट मैच की मैं वीडियो डाल चुका हूँ यूट्यूब में, जाके आप देख सकते हो मेरे चैनल में जाके। और उसमें भी मैंने आपसे सेम क्वेश्चन पूछा है कि टॉप थ्री उसमें कौन से हो सकते प्लेयर जिनके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे ड्रीम इलेवन में। इसमें भी सेम है, टॉप थ्री प्लेयर्स आप लिख दो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, और आपका अगर जवाब सही रहता है तो आपको मिलेंगे 500 रुपीज़ कैश प्राइस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब बात करते हैं तो विकेट कीपर की, तो मैंने यहाँ पे दो विकेट कीपर को अपनी टीम में जगह दी है, आर करेंसी और लिंटन जेम्स की। दोस्तों तो अगर बात करें दोनों की, दोनों आर करेंसी आपको वीजीआर की तरफ से खेलता हुआ दिखाई देगा। इसकी बैटिंग पोजीशन की बात करें तो तीसरे नंबर पर बैटिंग करता हुआ दिखाई देगा। पहले मैच की बात करें 14 रन बनाए हर मैच में दोस्तों, ये रन बना के दे रहा है, पॉइंट बना के दे रहा है, तो इसको अपनी टीम में क्यों सिलेक्ट ना करूं मैं। इसके बाद बात करते हैं एल जेम्स की, जो कि आपको खेलता हुआ दिखाई देगा डीवी की तरफ से। इसकी बैटिंग पोजीशन की बात करें तो ये आपको तीसरे नंबर पर ही बैटिंग करता हुआ दिखाई देगा। ये इसने भी दोस्तों हर मैच में ये पॉइंट बना के हमें दे रहा है, और ये कैप्टन भी है डीवी का। पहले मैच में इसने 20 रन बनाए थे, तो हर मैच में बना के दे रहा, तो क्यों ना सिलेक्ट करूँ आप ही खुद बता दो। इसके बाद करते हैं ए थॉमस की, तो दोस्तों ए थॉमस के बारे में बात करते हैं डीवी की तरफ से। तो इसको लेना चाहते हो इसको ले सकते अपनी मैं ग्रैंडलिंग में ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी बैटिंग पोजीशन की बात कर पिछले मैच में इसको चौथे नंबर पर बैटिंग करने के लिए बुलाया गया, लेकिन इसने कुछ खास नहीं कर पाया, 4 रन बना के ही आउट हो गया। वही बात करते ओविलियमसन की, तो वीजीआर की तरफ से ओविलियमसन आपको खेलता हुआ दिखाई देगा, ओपनिंग करता हुआ नजर आएगा, तो इसको लेना चाहते हो इसको अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हो ग्रैंड लीग में, क्योंकि इसने पिछले मैच की बात करो 30 रन इसने बनाए थे टीम की तरफ से। वही बात करें बैटिंग सेक्शन की, तो मैंने लिया डी ग्रीव्स को, नो डाउट दोस्तों। डी ग्रीव्स की बात के बारे में बात करें तो ये आपको ओपनिंग करता हुआ दिखाई देगा। पिछले मैच की बात करें तो पिछले मैच में 11 रन बनाए और एक विकेट इन्हें झटका था, तो आपको ये पॉइंट बना के देगा हर मैच में। इसका तो के होने की बात करें, के होने को अपनी टीम में लेना तो ले सकते हैं, लेकिन अगर बात करें इसकी, तो इसकी बैटिंग ऑर्डर में दोस्तों इसके बैटिंग पोजीशन फिक्स नहीं है, किस मैच में इसको बैटिंग के लिए ऊपर बुलाएगा, किस मैच में बैटिंग के लिए नीचे बुलाएंगे। तो अगर पिछले मैच की बात करें, पिछले मैच में इसकी बैटिंग ही नहीं आई, तो इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा हूँ अपनी सेफ टीम में। इसका दोस्तों मैंने लिया है वीजीआर को, वीजीआर के बारे में बात करें तो एज सेलो जो कि आपको ओपनिंग करता हुआ दिखाई देगा। पिछले मैच में 44 रन बनाए थे टीम की तरफ से। इसके बाद कर डी होइटे के बारे में बात करते हैं थोड़ा डीवी की तरफ से, तो इसको लेना चाहते हो अपनी टीम में ले सकते हो, क्योंकि पिछले मैच की बात करें तो पिछले मैच इसको इस टीम में मौका नहीं मिला, क्योंकि इससे पहले इस मैच में मौका मिला गया था इसको, लेकिन कुछ ये खास नहीं कर पाया था। 4 मैच में मौका मिला, लेकिन इसका कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं, क्योंकि इसकी बैटिंग नहीं था। अगर बंदे को बैटिंग नहीं दोगे तो वो परफॉर्मेंस करके कैसे देगा, ना बॉलिंग देते हो ना बैटिंग देते हो। तो इसका बात कर जे वेलकम की, तो जे वेलकम के साथ भी सेम हो रहा है वीजीआर की तरफ से, इसको ना तो बॉलिंग देते ना बैटिंग देते, इसे पिछले मैच में इसको नहीं खिलाया गया। जे विलियम्स की बात करें तो डीवी की तरफ, तो जे विलियम्स का भी सेम फंडा है, 2 मैच में खिलाया गया इसको, लेकिन कुछ ना बॉलिंग आई ना बैटिंग आई, तो इसने पॉइंट बना के कुछ दिया ही नहीं, इसको सिर्फ फील्डिंग के लिए रखा गया है। उसका सिलेक्ट किया मैंने तो वीजीआर की तरफ से ए ब्राउन है, जो कि आपको खेलता हुआ दिखाई देगा चौथे नंबर पे बैटिंग करते हुए। कभी कभी अगर बात करें इसकी, तो ये आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देता है, लेकिन पिछले मैच की बात करें, पिछले मैच में एचसेलो और विलियम्स ने ओपनिंग की और अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया, तो इस मैच में सेम वही ओपनिंग करेंगे। ए ब्राउन को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, नीचे खेल तो आपको नज़र आ सकता है। वही बात करते हैं ऑलडाउन सेक्शन की, ऑलडाउन सेक्शन दोस्तों मैंने सेलेक्ट किया है एस ऊपर को, तो एस ऊपर की बात करते, तो ये आपको बंदा ओपनिंग करता हुआ नजर आएगा, ये बंदा आपको बॉलिंग भी करेगा बैटिंग भी करेगा। और पिछले मैच की बात करते तो 32 इसने रन बनाए थे टीम की तरफ से। उसके बाद करते हैं कैस्टिक विलियमसन की, तो कैस्टिक विलियमसन की बात करें तो ये किस मैच में चलता है, किसी मैच में नहीं चलता। जैसे अगर बात करें पिछले मैच में, ये कैप्टन भी है बता दूँ आपको, वीजीआर की तरफ से कैप्टन भी है, तो इसकी दोस्तों कैप्टन है, तो मूड की बात है कि ये कभी ऊपर खेलने आता कभी नीचे खेलने आता। पिछले मैच की बात करते हैं तो इसकी बैटिंग तो आई नहीं, क्योंकि जो उसके टॉप एक ही विकेट आउट हुआ था इनका टीम का, और ये मैच बैच भी जीत गई थी, तो इसकी बैटिंग तो आई नहीं। लेकिन इसकी बात, इन्हें 2 विकेट झटके थे टीम की तरफ से, तो ये आपको विकेट निकाल के देगा किसी मैच में, किसी मैच में नहीं देगा। बैटिंग भी इसके आने के चांसेस है, क्योंकि कैप्टन है, खुद को ऊपर भी प्रमोट कर सकता है। इसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि मैं ऊपर जाऊँ कि नीचे जाऊँ। इसके बाद करते हैं के ब्रायन की, तो के ब्रायन को लेने जाता अपनी टीम में ले सकते हो, तो बिल्कुल बेफिक्र हो गए, क्योंकि ये बंदा आपको खेलता हुआ नजर आएगा, ये बंदा बॉलिंग भी करेगा बैटिंग भी करेगा। बैटिंग पोजीशन की बात करें तो कैसी विलियम और के विलियमसन दो, तो ये आसपास ही बैटिंग करते हुए, अगर 5वें 6वें नंबर पर या फिर 4थे 5वें नंबर पर बैटिंग करते आएंगे, तो एक के पीछे दूसरा बैटिंग करने आएगा, डेफिनेटली आएगा दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखें, इसको सेलेक्ट करने जाता तो बेफिक्र होकर अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद करते के जोसेफ की, तो
के जोसेफ के बारे में अगर बात करते हैं तो डीवी की तरफ से के जोसेफ को खेलने का मौका दिया गया, लेकिन इसके साथ भी सेम ही हुआ जो के हॉर्न ने जे विलियमसन के साथ हुआ कि इसको ना बॉलिंग दी गई ना बैटिंग दी गई। तो बंदे बंदे को इतना अगर मौका नहीं दोगे, ना बॉलिंग दोगे ना बैटिंग दोगे, तो सिर्फ फील्डिंग के लिए खड़ा करोगे, तो बंदा कितने पॉइंट बना के आपको देगा। तो इसलिए मैंने अपनी टीम में इसको सिलेक्ट नहीं किया है। लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इस मैच में इसको खिलाया जाएगा। एस विलियमसन की बात करें तो मैंने अपनी टीम में लिया है डीवी की तरफ से। ये बंदा दोस्तों आपको खेलता हुआ नज़र आएगा इस मैच में भी डीवी की तरफ से। ये बंदा बॉलिंग करेगा। और बैटिंग की बात करें तो दोस्तों ये आपको हर मैच में विकेट निकाल के देगा। पिछले मैच में विकेट नहीं निकाल पाया, लेकिन हर मैच में विकेट टेकिंग बॉलर है, विकेट निकाल के देगा ही लेगा। और इसकी बैटिंग पोजीशन की बात करें तो बैटिंग में भी इसको टॉप ऑर्डर में खिलाया जा सकता है, क्योंकि कुछ मैचेज ऐसे गए हैं जिसमें इसको चौथे नंबर पर बैटिंग करनी हो बुलाया और इसने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है। इसके बाद एक के डैम्बर की, तो के डैम्बर को अपनी टीम में लेना चाहते हो ले सकते हो। ये बॉलिंग करेगा बैटिंग करेगा, दोनों का दोस्तों सेम है, लेकिन अगर बात करें एस विलियमसन और के डैम्बर में से मैं एस विलियमसन को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस इस सीरीज में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू के डैम्बर। के डैम्बर को अपनी टीम में लेना चाहते हो ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद ये बॉलिंग सेक्शन, तो बॉलिंग सेक्शन मैंने सिलेक्ट किया तो डी मार्टिन को, जो कि आपको खेलता हुआ दिखाई देगा। डी मार्टिन का अगर हम बात करते हैं तो डीवी की तरफ से आपको खेलता हुआ दिखाई देगा। पहले मैच में कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन ये बॉलिंग बहुत बढ़िया करता है। के विलियमसन दोस्तों किमाली विलियमसन को लेना था तो ले सकते हो अपनी टीम में, लेकिन इसको लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसलिए मैं अपनी टीम में सिलेक्ट नहीं, क्योंकि ये बंदा किसी मैच में चलता है किसी मैच में नहीं चलता है। अगर हमने अभी तक बात करें तो एक दो ही विकेट निकाल के दिए हैं इस सीरीज में, इसलिए मैंने अपनी टीम में सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन इसको बार बार बैक किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, इसका मतलब है कि बंदे में कुछ है। लेना चाहते हो ग्रैंडिंग में ट्राई कर सकते हो इसको अपनी टीम में। इसके बाद करते हो मैथ्यूज की, जो कि आपको टीवी की तरफ से दोस्तों ओ मैथ्यूज खेलता हुआ नज़र आएगा, लेकिन इसका भी सेम है दोस्तों, इसको बॉलिंग नहीं दी कि पिछले मैच में ऐसी फील्डिंग के लिए रखा गया है, मेरे को तो यही लगता है, इसलिए मैंने अपनी टीम में सिलेक्ट नहीं किया इसको भी। आरबीबी को दोस्तों पिछले मैच में मौका दिया गया और इसने बंदे ने दो विकेट झटके। दोस्तों अगर आप बॉलिंग नहीं दोगे किसी को तो वो विकेट लेके कैसे देगा आपको। तो पिछले मैच में खिलाया गया आरबीबी को और इसने दो विकेट झटके टीम के लिए। एस एन समॉल के बारे में अगर बात करते हो तो एन समॉल का दोस्तों यही है, मेरे को लगता है दोस्तों ये किसी भी एक मैच में चल गया तो आपको ये ग्रैंड लीग जिता सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। और खेलता हुआ दिखाया जाए इसको कैप्टन वाइस कैप्टन अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हो ग्रैंड लीग के लिए। इसके बाद करें आर चार्ल्स की, जो कि आपको बीजीआर की तरफ से आर चार्ल्स खेलता हुआ दिखाई देगा। और इसने अगर बात करें आर चार्ल्स ने तो हर मैच में आपको विकेट निकाल के दे रहा अभी तक। इस अगर बात करें तो इस पिच में अभी तक तीन मैच हुए जिसने हर मैच में इसने एक विकेट निकाल के दिया, आपको पॉइंट बना के दिया, इसलिए मैंने अपनी टीम में सेलेक्ट किया। डी बर्नम की बात करें तो डी बर्नम डीवी की तरफ से तो किसी मैच में खिलाते हैं किसी मैच में नहीं खिलाते हैं, अगर खिलाते भी तो इसको बॉलिंग नहीं देता, इसलिए मैंने अपनी टीम में सेलेक्ट नहीं किया। पहले मैच में बॉलिंग नहीं मिली। केस्ट्रो की बात करें तो डीवी की तरफ से केस्ट्रो ने हर मैच में विकेट निकाल के दिया है, अब जैसे इसके फॉर्म में वापस आ चुका है। पहले मैच में भी एक विकेट निकाल के दिया, उससे पिछले मैच में भी विकेट निकाल के दिया, तो पॉइंट बना के आपको देगा। और इस पिच में इसका परफॉर्मेंस कुछ शानदार रहा है। इसका बात करते हैं क्रिस मॉरिस की, जो कि आपको बीजीआर की तरफ से आपको खेलता हुआ नजर आ सकता है। अगर बात करें इसके क्रिस मॉरिस की दोस्तों, पिछले मैचेस में जो सीरीज़ के शुरुआती मैचेस में थे इसका कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं था, लेकिन अगर पिछले मैच की बात करें तो पिछले मैच में तो कुछ खास नहीं कर पाए क्योंकि इसको बॉलिंग नहीं दी गई, लेकिन उससे पिछले मैच में विकेट निकाल के दिया था, पॉइंट बना के दिया था, इसलिए अब मैं अपनी टीम में सेलेक्ट करूँगा इसको ग्रैंड लीग के लिए। या अगर बात करें एम एडवर्ड्स की, तो एम एडवर्ड्स ने कुछ खास नहीं कर पाया क्योंकि इसको खिलाया ही नहीं गया, तो इसलिए मैं अपनी टीम में सेलेक्ट नहीं करूँगा। अब बात करते हैं कैप्टन की, तो कैप्टन मैंने सेलेक्ट किया डी ग्रीव्स को और वाइस कैप्टन मैंने सेलेक्ट किया दोस्तों एस हूपर को। इसके अलावा आपके पास चॉइस भी है, आप एस विलियमसन को अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, बाकी ग्रैंड लीग के लिए आपको मैंने वीडियो में ही बता दिया है। तो दोस्तों वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में मैंने आपसे जो पूछा टॉप थ्री जो आपको लगता है टॉप स्क्रॉल रहेंगे पॉइंट में, तो उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। अगर आपका जवाब सही रहता है तो आपको हम मिलेंगे 500 रुपीज़ कैश प्राइज, आपको मैं खुद ही कॉन्टैक्ट कर लूँगा। तो दोस्तों अगर आपने जीतना है, 95% चांसेस आपके अगर बढ़ाने हैं तो आप तो टॉप 10 वाला होता है जिसमें आप टॉप 10 मतलब 10 मेंबर्स वाली जिसमें 5 विनर्स होते हैं वाला ज्वाइन कर लो, उसमें आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आप सेम सेफ टीम बना के भी चलते हो तो आप जीत जाओगे डेफिनेटली, ये मेरी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, तो आपको उसमें नुकसान नहीं होगा। वहीं अगर आपको दोस्तों वेब्स अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि अब ऐसा आया है सिस्टम की
आप व्हाट्सएप में मैसेज करते हो, कोई आपको मैसेज करता है, अगर 10 मिनट के अंदर डिलीट कर देता है तो वो आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए दोस्तों एक बट्स डिलीट ऐप है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक लिखा हुआ है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल सेफ है, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच।